नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरजी न्यूज। दशामा का व्रत कुछ ही वक्त में शुरू हो जाएगा। ऐसे में दशामा की मूर्तियां बनाने की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से चल रही है। दरअसल दशामा की मूर्तियां बनाने का कार्य अपने आखिरी चरण पर है। गणेशोत्सव के दौरान सरकार की ओर से मूर्ति की ऊंचाई से जुड़े प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। ऐसे में दशामा की मूर्तियां भी बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है, लेकिन अभी तक दशामा की मूर्तियों के विसर्जन को लेकर प्रशासन ने कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में व्यापारियों और खरीदारों में इसी मामले में असमंजस का माहौल बना हुआ है। हालांकि व्यापारियों की ओर से ये बताया जा रहा है कि इस बार दशामा की मूर्ति के दामों में 40-50% का इजाफा हुआ है। ऐसे में आइए सुनते हैं इस बार दशामा की मूर्ति के दाम किस तरह है व्यापारी से ही। चुलीमाऊ जे के कॉर्पोरेशन जे हदनी विस्तार में आए जे विस्तार ने हदनी कॉर्पोरेशन में ये लोकाए विसर्जन की व्यवस्था करवानी होय छे। पण हजी वडोदरा शहर बाबते अपने इना कॉर्पोरेशन जाहरात करी छे ने के विसर्जन क्या करवानुं छे अने केवी रीते करवानुं छे। एना लीधे अमुक हजी मोटी हदनी जे मोटी मूर्ति बनावी होय 15-20 फूटनी ए मूर्ति बनावा माटे हजी मंडळो बधा अचकाई रह्या छे। बहु वधारो थयो छे आ वर्षे अने लीधे ग्राहकोने मंडळोने मूंघू खासू मूंघू पड़ी रह्यो छे। केम के समझीने चाले ए प्रमाणे के एक જ વર્ષમાં ભાવ જે છે ને જે પીઓપીની બેગના હતા કે બધા રાજસ્થાનના અત્યારે આખું વરસાદને એનામાં ફસાઈ રહ્યું છે। ચેન્નાઈથી માર આવીને એ કાથાનો એ બધાનો પણ ભાવમાં ખાસો એવો વધારો થયો છે જે મોંઘું પડી રહ્યું છે। ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। આજ હી બીઆરજી ન્યૂઝ કી મોબાઈલ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓર એપ સ્ટોર સે ડાઉનલોડ કરે ઓર ખબરો સે લગાતાર જુડે રહે।